नमस्कार, स्वागत है आपका साथीहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की तीन बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की सबसे बड़ी खबर हमारी पहली खबर है, जो कि किसानों से हुई केंद्र सरकार की बातचीत। आखिर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और इन दोनों के बीच आज बातचीत हुई। दोपहर 3:30 बजे ये बातचीत शुरू हुई। इसके क्या कुछ डिटेल्स हैं मैं आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है, किस तरीके से आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने लव जिहाद के मामले में कर्नाटका सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से लव जिहाद का कानून अब बाकी राज्यों में भी पनप रहा है या उसकी क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारी तीसरी खबर है, किस तरीके से एक 37 साल के पत्रकार पर सैनिटाइजर, एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर डालकर उसे जला दिया। वो पत्रकार की मौत हो गई, उसके साथ जो उसके सहयोगी था उसकी भी मौत हो गई। और किस लिए? क्योंकि वो निर्भीक तरीके से पत्रकारिता कर रहा था। तो इन तीनों खबरों के डिटेल्स आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज उसका छठा दिन है। 26 नवंबर से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसानों की एक ही रट थी, उनकी एक ही डिमांड थी कि ये जो तीन कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए, 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे रद्द किया जाए। इन तमाम डिमांड्स के बीच में आखिर आज मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि इतने दिन से बातचीत का रास्ता खोलने की बात हो रही थी। 3 दिसंबर को ये बातचीत होने वाली थी, लेकिन आज क्या कारण था कि आज केंद्र सरकार को आज 1 दिसंबर को ही ये बातचीत करनी पड़ी। अब आपको बता दें, जो सुबह से जो खबरें आ रही थी कि अमित शाह उस मीटिंग में शामिल होंगे, 3:30 बजे ये मीटिंग विज्ञान भवन में शुरू हुई, जिसमें ये पहले बताया जा रहा था कि इसमें अमित शाह होंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह होंगे, तो ये दोनों केंद्रीय मंत्री आज उस बैठक में मौजूद नहीं थे। इस मीटिंग की अगुवाई की नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि कृषि मंत्री ने और पीयूष गोयल ने। तो ये जो किसानों की बातचीत आज हुई, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी की या केंद्र सरकार की कि आज 3 दिसंबर के बजाय उनको आज 1 दिसंबर के ही दिन ये बातचीत करनी पड़ी? तो जिस तरीके से किसानों की भारी संख्या अलग अलग बॉर्डर्स और अगर अलग अलग देश के कोने से दिल्ली आ रहे किसानों की जो संख्या देखने को मिली थी, तो उससे किसानों के केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव की स्थिति बन गई थी कि जो किसानों का एक बड़ा वोट बैंक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के हाथ से निकल जाए। दूसरी बात ये कि किसानों का भरोसा जीतना ऐसे समय में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की हम बात करें, तो जैसे मिसाल के तौर पर राजस्थान में जो एनडीए के सहयोगी हैं आरएलपी, उन्होंने एनडीए को धमकी दे दी कि वो एनडीए से नाता तोड़ देंगे अगर वो किसानों से बातचीत नहीं करता। उधर हरियाणा में जो सहयोगी दल है बीजेपी का जेजेपी, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, किसानों से बातचीत होनी चाहिए। अब आपने यह हाल में देख लिया था कि किस तरीके से जो पंजाब का सहयोगी दल था अकाली दल, उन्होंने अपना रिश्ता और अपना नाता बीजेपी से तोड़ लिया था किसानों के मुद्दे पर। तो बीजेपी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती थी और इसलिए आज बातचीत जल्द ही शुरू करनी पड़ी, जबकि जो तय समय थी, जो तय तारीख थी उसकी, वो 3 दिसंबर को होनी थी। अब जो किसानों के मन में शंकाएं हैं, उनके मन में शंकाएं ये हैं कि मंडी को खत्म किया जा रहा है, एमएसपी उन्हें नहीं मिलेगी, काला बाजारी जमाखोरी होगी और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ, तो उनको लगता है कि किसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा और उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो खराब हो जाएंगी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये जो सुधार है, कृषि सुधार है, ये लाने जरूरी है। अगर हमें किसानों की आय को दुगनी करना है तो आप सिर्फ चावल और गेहूं उगाकर इस आय को दुगनी नहीं कर सकते। तो सरकार के अपने एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों साइड्स बहुत ही अड़े हुए हैं। अगर किसान अड़े हुए हैं कि नहीं आप ये तीनों कृषि कानून को वापस लीजिए, तो सरकार भी हट पर बनी हुई है और किसी न किसी तरीके से आप अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रही है। और अब लेकिन ये देखना होगा कि आगे का जो रास्ता है वो कैसे निकलेगा। लेकिन जो कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तक जितने भी सालों में आपने देखा है कि किसानों के साथ छल हुआ है, लेकिन अब छल नहीं बल्कि गंगा जल जैसी पवित्र नीयत से
बात की जाएगी और आगे का रास्ता खुलेगा। तो अब देखना यह है कि किसानों के साथ वाकई में छल होता है, इस बातचीत से क्या निकलता है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। आपका क्या सोचना है फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं लव जिहाद के कानून की। आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटका सरकार को एक बड़ा झटका दिया। वजीद खान नाम के एक मुसलमान लड़के ने एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि जो उसका पार्टनर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिंदू लड़की है रम्या, उसको कहीं ना कहीं बंद किया गया है, उसको कन्फाइन किया गया है। और उस मामले में आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह साफ कहा कि अगर दो एडल्ट्स अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं या अपनी मर्जी के साथ रहते हैं तो वो उनका मौलिक अधिकार है और इसका प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो एग्जैक्टली कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह बोला कि लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एनक्रोच्ड बाय एनीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, लेकिन अगर साथ शादी करना है तो दो इंडिविजुअल्स का वो इंडिविजुअल डिसीजन है, वो पर्सनल लिबर्टी है और उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब कर्नाटका सरकार ने भी बात की थी कि वो लव जिहाद का कानून लेकर आएंगे, तो अगर वो कानून लाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये जो हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है वजीद खान और रम्या के मामले में वो एक बड़ा झटका है। अब क्या येदुरप्पा सरकार इससे चेतेगी या फिर वो यूपी सरकार के पदचिन्हों पर चलेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो दो सिंगल जज बेंच थी उनके जो डिसीजन आए थे उनके फैसले को एक बेंच ने गलत करार दिया और कहा कि नहीं, अगर दो एडल्ट्स साथ में रहना चाहते हैं या साथ में शादी करना चाहते हैं इंटरफेथ के मैरिजेस के केस में, उन्होंने कहा कि वो उसका राइट टू चॉइस है, उसकी राइट टू लिबर्टी है। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार उस ऑर्डिनेंस को यानी कि अध्यादेश को लेकर आई, वो अध्यादेश अब लागू हो गया है, यहां तक कि कुछ केसेस भी रजिस्टर होने लगे हैं। उधर मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो पूरे लव जिहाद कानून का जो मसौदा है उसको हरी झंडी दे दी है और वहां पर तो ये कि तक कह दिया गया है कि पुराने केसेस को खोद खोद कर लाया जाएगा। तो लव जिहाद कानून एक नया पॉलिटिकल वेपन बीजेपी शासित राज्यों में बन गया है कि किस तरीके से मुसलमानों को कॉर्नर किया जाए, मुसलमानों से बदला लिया जाए। पहले सीए था, फिर एनआरसी बना और अब लव जिहाद एक नया पॉलिटिकल वेपन के रूप में उभर रहा है। और खासकर अगर हम चुनाव की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम जैसे जो राज्य हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर ये एक पोलराइजेशन का काम भी ये कानून करेगा। लेकिन इस कानून से क्या वाकई में लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से अब केसेस रजिस्टर होंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है जहां पर ये कानून लागू हो चुका है, अध्यादेश लागू हो गया है, उसको राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, तो अब एफआईआर दर्ज होंगी, अनाप शनाप तरीके से केसेस रजिस्टर होंगे, उनको टारगेट किया जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी को, तो इस चीज से कैसे बचा जाए। तो ये एक तो चीज साफ दिख रही है कि एक पोलिटिकल वेपन की तरह इस नए कानून को मुस्लिम्स को कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ ये कि कोरोना काल में जिस समय जो न्यायिक प्रक्रिया है वो हमारी इतनी ढीली पड़ गई है, केसेस की हियरिंग नहीं हो रही है, वहां पर अब आप देखेंगे कि लव जिहाद के मामलों में कोर्ट के केसेस की लिस्टिंग बढ़ जाएगी, तो लिटिगेशन बढ़ेगा। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल वेपन की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लव जिहाद क्या है? जितने भी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वो संविधान के खिलाफ है, इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। जो हमारे दक्षिणपंथी लोग हैं उनका ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी संविधान में कोई डेफिनेशन नहीं है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने तक ने कह दिया है कि कानून में लव जिहाद की कोई जगह नहीं है, केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनको भी लव जिहाद के कोई केसेस नहीं मिले हैं। तो अगर ये सारी रियालिटीज मौजूद हैं तो आज जो बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं वो लव जिहाद का रोना क्यों रो रही हैं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि लव जिहाद कानून का बेजा इस्तेमाल जरूर होगा, लेकिन अब इसे कैसे रोका जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। जी हां, 37 साल के एक पत्रकार जिनका नाम राकेश सिंह निर्भीक था, वो एक वहां का लोकल पेपर है राष्ट्रीय स्वरूप जिसके लिए वो लिखते थे, और खबर ये आ रही है कि उनकी मौत हो चुकी है
और कैसे मौत हुई वो बहुत दर्दनाक है। उनके साथ उनके सहयोगी थे पिंटू साहू, उनकी भी मौत हो चुकी है। और बताया जाता है कि राकेश सिंह निर्भीक अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। बलरामपुर के पास एक गांव है, वहां के जो ग्राम प्रधान हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में राकेश सिंह या निर्भीक ने लिखना शुरू किया था, उनके भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना शुरू किया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है कि किस तरीके से तीन आरोपियों ने राकेश सिंह और जो उनके सहयोगी थे पिंटू साहू, उनको पहले शराब पिलाई धोखे से और फिर उसके बाद सैनिटाइजर उन पर छिड़का गया और उनको आग लगा दी गई। जब दोनों अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल पहुंचने के बाद पहले पिंटू साहू ने दम तोड़ा और फिर उसके बाद राकेश सिंह निर्भीक की मौत हो गई। अब आपको बता दें कि राकेश सिंह निर्भीक का एक बहुत छोटा सा परिवार है, छोटे से एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे जो बहुत हिम्मत करके लिखते थे और आज उस हिम्मत का नतीजा क्या हुआ। लेकिन जो बहुत ही एक दर्दनाक चीज सामने आई है कि जब वो अस्पताल में थे राकेश सिंह निर्भीक, तो उनका एक 2 से 2.5 मिनट का वीडियो सामने आया है जिसमें वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को ये बता रहे हैं कि देखिए ये सच्चाई को बताने की मैं कीमत चुका रहा हूं। यानी कि बिल्कुल वो साफ कह रहे हैं कि आज जो उनको जलाया गया है, उनके साथ जो हादसा हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो सच्चाई को उजागर कर रहे थे। तो अब इसमें जो बलरामपुर पुलिस है उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें रिंकू मिश्रा जो कि वहां ग्राम प्रधान के बेटे हैं, उसके साथ एक अक्रम नाम के एक व्यक्ति को जो कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उसको गिरफ्तार किया गया है और एक ललित मिश्रा नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये जो तीनों अक्यूज थे, इन तीनों आरोपी, इनका ये कहना था कि वो उस तरीके से कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची ताकि वो एक हादसा के रूप में पूरा इंसिडेंट नजर आए सामने। लेकिन अब इनकी जो पूरी सच्चाई है वो सामने आ गई है कि उन्होंने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को छिड़का, उनको मारा और अब ये तीनों जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आज सबसे जो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये हादसा 27 नवंबर का था जब उन्हें किस तरीके से बहला फुसलाकर उनको शराब पिलाई गई और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद जाकर अब ये खबर आई कि राकेश सिंह निर्भीक और पिंटू साहू की मौत हो गई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी की कानून व्यवस्था, आपको ध्यान दिला दें कि अभी जून जुलाई में ही हाल की बात थी जिस समय की गाजियाबाद में विक्रम जोशी नाम के एक पत्रकार को भी इस तरीके से मार दिया गया था क्योंकि उनकी जो भतीजी थी उनसे छेड़छाड़ के मामले को उन्होंने अपोज किया था। इसके अलावा ये तो पत्रकारों को मारने की और उनके उनकी मौत के संबंध में मामले हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरीके से पत्रकारों से सुलूक हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उन्होंने जेल उन्हें भेज देती है, उनके खिलाफ सेडिशन के मामले दर्ज होते हैं, खासकर फ्रीलांस जर्नलिस्ट की आप बात करें तो उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है। तो आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी गंभीर है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रेस फ्रीडम की दुहाई देते हैं लेकिन पत्रकारों के साथ किस तरीके से उन्हें मार डाला जाता है, उन्हें चुप कराया जाता है, उस पर क्या कोई कभी बोलेगा। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे ये सबको पता है। वो हैदराबाद पहुंचे हुए थे जिस राज्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर वो लोगों को ये बता रहे थे, वहां की जनता को वो ये बता रहे थे कि हैदराबाद की गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देना चाहिए। लेकिन उनको अपने राज्य में अगर उनके राज्य के पत्रकारों को इस तरीके से मारा जाता है या उनको चुप कराया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो उसके लिए वो कभी भी मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये उत्तम राज्य है, ये राम राज्य है, आप ये कह लीजिए योगी आदित्यनाथ के राज्य में। लेकिन फिलहाल इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन क्या यूपी की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सही होगी। जो पुलिस के मामले हैं, आपको ध्यान होगा कि जून और जुलाई में कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिस तरीके से फ्रीलांस जर्नलिस्ट को वहां की पुलिस पीट रही थी, तो चाहे पुलिस का रवैया हो चाहे राज्य सरकार का रवैया हो, पत्रकारों के साथ जिस तरीके से व्यवहार वहां की राज्य सरकार और पुलिस करती है वो वाकई शर्मनाक है। लेकिन हाँ, पत्रकारों को अक्सर इस बात की कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि अगर वो सच्चाई को उजागर करते हैं और खासकर अगर वो सच्चाई वहां की गवर्नेंस, वहां की व्यवस्था के खिलाफ होती है, तो पत्रकारों की मौत भी हो जाती है, उन्हें मार डाला जाता है और राकेश सिंह निर्भीक उसी श्रृंखला का एक और नमूना है। लेकिन क्या योगी सरकार अब इस पर चू करेंगे? ये बोला जा रहा है अभी कि राकेश सिंह निर्भीक की पत्नी को एक नौकरी दी जाएगी,
और ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आज राकेश सिंह निर्भीक के परिवार को न्याय मिल सकेगा? आज योगी सरकार क्या उस पर बोलेंगे कि आगे वो क्या ये गारंटी दे पाएंगे कि आग अब आने वाले दिनों में किसी भी पत्रकार को इस तरीके से नहीं देखा जाएगा? शायद नहीं बोलेंगे, क्योंकि योगी सरकार का एजेंडा कुछ और है, ना कि पत्रकारों को बचाना, ना कि पत्रकारों की जान के की हिफाजत के बारे में सोचना। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज की एजेंडा की तीन स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neeru317। आप बने रहिएगा satyahindi.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।